नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। और 2 दिन के दक्षिण भारत के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी केरल के एर्नाकुलम में हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर रोड शो चल रहा है। बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले आज सुबह गुरुवायूर मंदिर गए थे प्रधानमंत्री, और अब ये केरल का दौरा है। समूचे जब भारत की करते हैं तो वहाँ पर जो विकास की जो बयार है वो लगातार देखने को मिल रही है। दक्षिण भारत इस कड़ी में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये दौरा और किन मायनों में खास हो जाता है, और इसके अलावा जो बदलाव की तस्वीर है, जो बदलाव की बयार है, वो क्या कुछ कह रही है? ये देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें हैं गौरव। पहली बात तो है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जो तमाम कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ देश के हर हिस्से में मिल रहा है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री केरल के दौरे पर हैं, और इससे पहले आज इसी में तमिलनाडु और लक्षद्वीप का दौरा भी प्रधानमंत्री ने किया था, और यहाँ पर एक रैली को संबोधित किया। इस साल लोकसभा के चुनाव हैं, बीजेपी दक्षिण भारत में खुद को मजबूत करना चाहती है। प्रधानमंत्री के दौरे से बीजेपी को उम्मीद है कि चुनावी फायदा मिलेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कर्नाटक में ज़बरदस्त सफलता पाई थी, लेकिन अभी भी तमिलनाडु केरल जैसे राज्यों में बीजेपी यहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाह रही है। पोंगल का त्यौहार मनाने प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री मुरुगन के घर गए थे, और इससे पहले 25 दिसंबर को केरल के लोगों के बीच प्रधानमंत्री ने क्रिसमस भी मनाया था। घने कोहरे से मचे कोहराम पर सरकार और एयरलाइंस दोनों ने अब संज्ञान लिया है। आज नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोहरे और शीतलहर के बीच कुछ और दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार की तरफ से एयरपोर्ट के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली में लो विजिबिलिटी वाले रनवे का प्रयोग के लिए तैयार किया गया है। 6 मेट्रो एयरपोर्ट्स पर वॉर रूम बनाए गए हैं, और 24 घंटे CISF के जो बल हैं वो उपलब्ध रहेंगे एयरपोर्ट पर, ये कहा गया है। आज से अयोध्या धाम में 6 दिन तक विधिवत हवन पूजन शुरू हो गया है। आज पूजा का पहला दिन रहा। इसके बाद कल रामलला की मूर्ति के साथ अयोध्या में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, साथ ही मंगल कलश में सरयू का जल लेकर श्रद्धालु मंदिर पहुंचेंगे। जानते हैं कैसा रहेगा कार्यक्रम। ये राम मंदिर की ताजा तस्वीरें हैं। राम मंदिर में राम लला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ संस्कार मंगलवार से शुरू हो गए। मूर्ति को 12 अधिवास कराए जाएंगे। मंगलवार को प्रायश्चित और कर्म कूट पूजन का आयोजन हुआ। 22 तारीख को अभिजीत मुहूर्त में जो प्राण प्रतिष्ठा है वो होगी, लेकिन आज 16 तारीख से जो द्वादश अधिवास है, जो एक तरीके का पूजा अर्चना का कार्यक्रम होता है, वो इस राम मंदिर के अंदर जो है उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। जो 12 अधिवास हैं वो मूर्ति को कराया जाएगा। ये एक तरीके का धार्मिक अनुष्ठान होता है, और 18 तारीख को जो मूर्ति है उसको 18 तारीख को मुख्य गर्भगृह में रख दिया जाएगा। मंदिर के चारों ओर आयता परकोटे हैं, जिसकी लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट है। इसका काम लगभग खत्म हो चुका है। परकोटे के चार कोनों पर 4 मंदिर हैं, भगवान सूर्य, माँ भगवती, गणपति और भगवान शिव के हैं। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में सोने के दरवाजे लगाए जा चुके हैं। 18 और दरवाजों का काम चल रहा है। 21 जनवरी तक मूर्ति के सभी 12 अधिवास के शुभ संस्कार पूरे कर लिए जाएंगे, और 22 तारीख को अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम
12:20 पर शुरू हो जाएगा। अयोध्या से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अयोध्या में सरयू के तट पर क्या रौनक है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर। इस वक्त मैं उस ऐतिहासिक सरयू नदी के ठीक किनारे हूँ और मेरे पीछे एक लेजर शो यहाँ पर चल रहा है और हर दिन यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु और टूरिस्ट लोग यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर आकर इसका लुत्फ उठाते हैं। एक लेजर शो है जो हर दिन शाम को यहाँ पर सरयू तट पर किया जाता है और मेरे साथ यहाँ पर दो लड़कियाँ हैं जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग की है। निधि, ये बालू की रेत में कलर मिलाकर, रंगों को मिलाकर भगवान राम, सीता और नए राम मंदिर की तस्वीर इन्होंने बनाई है। क्या अभिव्यक्त करना चाहते हैं आप इसके जरिए? हम यही, सबका आशा यही है कि राम रामलला को देखने के लिए सबका जीरा तरस रहा है। तो जब हम अपने इमेजिन भाव कर रहे हैं कि जब वो आएंगे और कैसे एंटर करेंगे और अंदर जाएंगे, तो ये मैंने रंगोली में बनाई है, हमने ग्रुप में बनाया है। ये नाम मोनिका है और तो मोनिका, इसके पीछे क्या सोच है इस पेंटिंग की? जैसे कि हम लोग मिथिला के हैं, हम दरभंगा के हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारे घर में दामाद जैसे गेस्ट आते हैं तो उनकी स्वागत में बहुत सारी तैयारियाँ होती है, घर सजाया जाता है, दीपक जलाया जाता है और रंगोलियाँ बनाई जाती है। तो राम जी अभी अपने घर में घरवास करने जा रहे हैं तो उनके लिए स्वागत में एक मिथिला के स्टाइल में रंगोली बनाने का मैंने कोशिश की है। रंगोली है ये? जी जी, ये रंगोली है जो राम जी सीता मैया को पकड़ के, तो इस रंगोली के जरिए एक अपनी अभिव्यक्ति को एक्सप्रेस किया है। मेरे साथ प्रमोद भी है। निधि, एक छोटा सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ। श्रद्धालुओं की संख्या 2-3 लाख होगी प्रतिदिन, ये प्रशासन ने कहा है 23 के बाद। क्या अयोध्या तैयार है इनको हाउस करने के लिए? हाँ, अयोध्या धीरे धीरे तैयार हो रही है। देखिए, पहले अभी 10-15 हज़ार लोग आते थे, 5-10 हज़ार हुए, 10-15 हुए। अब जब 23 तारीख को राम मंदिर दिव्य भव्य रूप में खुलेगा तो वाकई 2-3 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है और अयोध्या बिल्कुल उसके लिए तैयार हो रही है। रामलला के लिए 12 लाख भक्तों ने मिलकर वस्त्र तैयार किए हैं, उनका अर्पण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। ये रंग बिरंगे कपड़े हैं भगवान श्री राम के। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो भगवान राम की मूर्ति पर जो कपड़े उन्हें पहनाए जाएंगे वो यही कपड़े हैं और इन कपड़ों को आज अर्पित किया गया लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में। इन कपड़ों की खासियत ये है कि हथकरघा से बनाए गए हैं। जिस तरह से महात्मा गांधी आपको सामने हथकरघा का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं, इस तरह से हथकरघा का इस्तेमाल करके अलग अलग दिनों के हिसाब से अलग अलग रंगों का चयन किया गया है। और इन कपड़ों को बनाने की जो दूसरी सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि भगवान राम में आस्था रखने वाले 12 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो हैंडलूम पर पहुँचते हैं और उन मशीनों में 2-2 सूत इन कपड़ों की सिलाई करते हैं, क्योंकि उनको भगवान राम के वस्त्र निर्माण में अपनी भूमिका निभानी थी। और ख़ास बात यह भी है कि इसमें न कोई जाति देखी गई, न किसी का धर्म देखा गया, बल्कि समाज का हर वर्ग, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन में अलग अलग समाज के जो लोग महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देते हैं, उसी तरह से उनके कपड़े के निर्माण में अलग अलग वर्गों के लोग 12.5 लाख के आसपास लोग पहुँचे। और आप देखिए कि अलग अलग दिनों के हिसाब से अलग अलग रंग के कपड़े हैं और इन कपड़ों को तैयार किया है एक संस्था ने। और जब इन कपड़ों का निर्माण हो रहा था तो हैंडलूम के बाहर लाखों लोगों की लाइन लगी थी जो कि सिर्फ अपना योगदान देना चाहते थे। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके बाद भैया जी जोशी जो कि ट्रस्ट के वो मार्गदर्शक हैं और उसके अलावा ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, इन सब की मौजूदगी में लखनऊ में इन कपड़ों को अर्पित किया गया। और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के ठीक बाद ये जो कपड़े हैं ये भगवान राम की जो शोभा है, जो आभा है, उसको बढ़ाएंगे। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ लखनऊ से रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सुंदरकांड के पाठ के आयोजन की शुरुआत कर दी है। मंगलवार को रोहिणी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्नी के साथ सुंदरकांड का पाठ किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इससे सबको सुख शांति मिलेगी और दिल्ली में अच्छी वाइब्रेशन है।
उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन है। आज यात्रा नागालैंड के कोहिमा से शुरू हुई। राहुल गांधी ने कोहिमा में स्थानीय लोगों से मुलाकात की। यात्रा के बीच राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बताया। राहुल गांधी का कहना है कि कई बड़े संतों ने भी कहा है कि इस राजनीतिक कार्यक्रम को आरएसएस और बीजेपी ने प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द बुना है, ऐसे में कांग्रेस का इसमें शामिल होना मुश्किल है। राहुल गांधी के इस हमले पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पलटवार किया है। We are open to all religions, all practices. Even the authorities of the Hindu religion, the biggest authorities of the Hindu religion, have made their view public about what they think about the 22nd January function, that it is a political function, right? So it is difficult for us to go to a political function which is designed around the Prime Minister of India and designed around the RSS. Rahul Gandhi lives in this Lala world, in my opinion, where he thinks that everything that he says is predicated by nobody understanding the truth and that he can get away with these atrocious lies. Rahul Gandhi, jo bhi soche, unke guru Sam Pitroda ne bhi kuch aise tippani kiya tha 5-7 din pehle. It is a deeply felt emotional issue for crores or hundreds of crores of Indians. Rahul Gandhi ka interpretation jo bhi rahe, hamare liye ye ek bahut hi ek mahatvapurna aur bahut hi ek deeply felt aastha ka issue hai. मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल किया है। फिलहाल शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 29 जनवरी को सुनवाई करेगा। आयोग का आदेश अगली सुनवाई तक लागू नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आपकी अर्जी बहुत अस्पष्ट है, आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं। इसके अलावा ट्रांसफर का मामला भी इस न्यायालय में लंबित है, हमें उस पर भी फैसला लेना है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराधों में कन्विक्शन रेट करीब 71% हो गया है। ये महत्वपूर्ण संकेत है, जो जमीन पर महिला सुरक्षा के में जो कानून व्यवस्था कार्यप्रणाली की ओर संकेत दे रहा है। अन्य राज्य में एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार महिला अपराधों में कन्विक्शन रेट राजस्थान में 37.2%, महाराष्ट्र में 11.2% और पश्चिम बंगाल में 8.9% है। इंडियन एक्सप्रेस में बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में इस सफलता के पीछे कई अहम बदलाव हैं, जिसमें कार्यप्रणाली में बदलाव, संपर्क और समन्वय अहम है। डेडिकेटेड मॉनिटरिंग सेल्स बनाए गए हैं और जवाबदेही तय की गई है। फॉरेंसिक साइंस लैब्स की मजबूती से डीएनए और विसरा की रिपोर्ट अब जल्द पहुंचती है। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस ने अब गति पकड़ ली है, जो गुजरात में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम कर रहा है। इससे जो एक्सपर्ट्स की भारी कमी राज्यों में होती है वो पूरी हो रही है। उत्तर प्रदेश में 2022 में 13,099 कन्विक्शन हुए हैं, जो देश भर में 37,551 के नेशनल कन्विक्शन का 1/3% है। उत्तर प्रदेश का जो कन्विक्शन रेट है वो राष्ट्रीय औसत से 180% अधिक है। ये शासन की जो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधी जो कमिटमेंट है उसको दिखाता है, और हम लोग लगातार इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए हैं, और हमारे फोर्स के अंदर भी लगातार महिलाओं का अनुपात बढ़ता जा रहा है। 2017 के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो आज हमारा 3 गुना महिलाओं का प्रतिशत हो चुका है फोर्स में। और इसी के साथ न्यूज़ अडेट में इतना ही, और खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।